ये खेलने वाले और खिलाने वाले भी शामिल है इसमें, क्योंकि सारे सामान इनके पास से बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सचाटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। चुनाव और ख़ास करके कानून व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है प्रशासन के लिहाज से देखा जाए तो। इस वक्त तमाम जो भी प्रशासन, चाहे जो कनीय हो या फिर बड़ी हो, सबसे बड़ी क्या है कि एक चुनौती है, वो चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है। वैसे ही पटना सिटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी खंड 2 के SDPO साहब का एक समीक्षा बैठक होती है। समीक्षा बैठक में 5 थाना कह सकते हैं कि एक त्वरित कार्रवाई करने के लिए, अब शिकंजा जो कि है, चुनाव बहुत जल्द शुरू यहाँ होने वाला है पटना साहब का, इसके पूर्व में ताबड़तोड़ छापेमारी कर, चाहे वो असामाजिक तत्व हो, चाहे वो अपराध से जुड़े हुए तमाम तरह की जो घटनाएँ की हैं उन पर एक कड़ी नज़र और साथ में गिरफ्तारी करने के लिए एक फरमान जारी होता है। इसी कड़ी में मौसलामी थाना क्षेत्र के नुरुद्दीगंज में एक बड़े गिरोह का उद्भेदन कर गिरफ्तार कर, इसी परिसर में इस थाना के थाना अध्यक्ष एक प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कर है, उनकी बात को जरा सुन लेते हैं। और देखिए, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय पटना सिटी 2 के द्वारा कल समीक्षा कर विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण पर विभिन्न तरह के निर्देश दिया गया। उसी में उन्हीं के निर्देश के आलोक में आज कल रात से ही हम लोग लगातार छापामारी टीम गठन कर रहे थे चोरी की घटनाओं पर रोकथाम के लिए। उसी के दौरान आज सुबह में सघन वाहन चेकिंग किया जा रहा था तो एक स्कूटी को पकड़ा गया। स्कूटी लेके जो पुलिस को देखते भागने लगा, उसको उससे जब पूछताछ किया गया तो बताया कि उसको हम कंगन घाट से चोरी किए हैं। फिर उसके पास एक मोबाइल बरामद हुआ लड़के के पास से, उसके बारे में पूछा गया तो वो बताया कि हम गांधी मैदान से कल एक वृद्ध आदमी से छीन के उसको लेके भाग गए थे। जो पकड़ाया उसका नाम स्कूटी चोरी है, स्कूटी के साथ जो पकड़ाया वो पिंटू कुमार, पिता कीरू चौधरी, साकिन अदालतपुर, थाना फतुहा, जिला पटना का रहने वाला है। इसी क्रम में एक दूसरी टीम को लगाया गया था गेसिंग जुआ इस तरह का, तो उसमें नूरुद्दीनगंज जिमनी भट्टा के पास जब छापामारी किया गया तो उसमें कुल 7 लोग पकड़े गए, जिसका नाम हम आपको बता देंगे। और उसके साथ साथ वहाँ पर पकड़ाया एक कैलकुलेटर, एक मार्कर रोल कॉपी, उसके बाद आपका 11,500 रुपया और टिकट, ये कूपन, ये सारे चीज़ बरामद किए गए और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। क्या गेसिंग घंटा चल रहा था? गेसिंग का ऐसा, हम लोग को जैसे ही सूचना मिली कि कोई गेसिंग वगैरह शुरू किया है या चला रहा है तो उसमें हम लोगों ने कार्रवाई किया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय का निर्देश था, बिल्कुल लगातार छापमारी चल रही है और इस तरह की कोई भी सूचना मिलेगी आप लोगों के माध्यम से तो हम लोग मुख्य संचालक का तो अभी पता नहीं, हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि मुख्य संचालक कौन है, लेकिन यहाँ पर जो पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उसका FIR दर्ज कर रहे हैं। खेलने वाले किसमें कोई? ये खेलने वाले और खिलाने वाले भी शामिल है इसमें, क्योंकि सारे सामान इनके पास से बरामद हुए। कहाँ से गिरफ्तारी? ये नूरुद्दीनगंज ईंट भट्टा के पास से, सड़क किनारे। ये थे मौसलामी थाना अध्यक्ष राजकुमार सिंह जी ने एक प्रेस वार्ता कर बतलाए हैं। तो लगभग 7 असामाजिक तत्व और उसमें गेसिंग चलाने वाला हो, चोर हो, सबसे मज़ेदार बात है कि कंगन घाट चौक थाना स्थित में एक स्कूटी चोरी होती है, जब यहाँ पर जांच होती है तो उस जांच में पाया जाता है कि स्कूटी चोरी का है। उसके बाद एक युवक के पास से मोबाइल मिलता है, उनसे जानकारी मिली तो गांधी मैदान के पास एक झपट्टे मार के रूप में मोबाइल हासिल किया है। तो कहीं ना कहीं रूप से देखा जाता है तो एक बड़ी सफलता है, चुनाव के पूर्व में तत्पर है। SSI2, आप देखते रहिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।